आज हम रागी के आटा से तीन तरह की रेसिपी बनाएंगे। तीनों रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम रागी के आटा से मोटी रोटी बनाएंगे। मोटी रोटी बनाने के लिए आटा को हम गूंथ लेंगे और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से गोला बना लेंगे और आटा में भी चारों तरफ से इस तरह से पानी लगाकर चिकना कर लेंगे और दोनों हथेली के सहायता से इस तरह से हम रोटी बना लेंगे और तवा को पहले से हम गरम करके रखेंगे। तवा हमारा गरम हो गया है और रोटी भी हमारा बन गया है। अब हम रोटी को दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छा से सेक लेंगे। रोटी हमारा सिका गया है। इस तरह से छलनी से निशान लगाकर रोटी को तोड़ लेंगे और चार टुकड़ा बनाएंगे। अब हम सर्व कर लेंगे। रागी की मोटी रोटी इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी लगता है। इसे हम बैंगन के चटनी के साथ सर्व करेंगे। रागी की मोटी रोटी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे। रागी की दूसरी रोटी बनाने के लिए हम पानी को गर्म करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक गर्म पानी से आटा को गूंथ लेंगे। आटा को इस तरह से सॉफ्ट डो लगा लेंगे और आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल रखेंगे और इसमें एक हरी मिर्च को बारीक कट करके रखेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज रखेंगे। कलर चेंज होने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज हमारा भुना गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर रखकर मिक्स कर लेंगे और सभी बेसिक मसाला थोड़ा थोड़ा रखेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये हमारा धनिया पत्ता का डंठल और लहसुन का पेस्ट है, ये पेस्ट रखेंगे। और बॉयल किया हुआ आलू का छिलका हटाकर हाथ से इस तरह से मसल कर रखेंगे और गैस को ऑफ करके इसे मिक्स कर लेंगे। आलू का चोखा हमारा बन गया है। अब हम रागी के आटा का छोटा छोटा पीस बना लेंगे। इस तरह से बाउल बनाकर इसमें आलू का चोखा भरकर हाथ से इसे ऐसे दबा दबा कर रोटी का शेप दे देंगे और साइड साइड से इसे ऐसे दबा दबा कर बंद कर देंगे और इसे कुकिंग ऑयल लगाकर भी सेक सकते हैं और ऐसे भी सेक कर बनाने से रागी के आटा से बना हुआ आलू पूरी बहुत टेस्टी लगता है। एक को हम सूखा सेकेंगे और एक को कुकिंग ऑयल लगाकर सेकेंगे। रागी के आटा से बनी हुई ये आलू पूरी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम सर्व कर लेंगे। अब हम रागी के आटा से तीसरा तरह का रेसिपी बनाएंगे। तीसरा तरह की रेसिपी बनाने के लिए हम रागी का आटा का पतला घोल बना लेंगे और तवा को गरम करेंगे। इस तरह से पतला घोल बना लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक रखेंगे और तवा को हम पहले से गरम करके रखेंगे। तवा में थोड़ा सा तेल रखकर ये रागी के आटा का घोल रखकर हाथ से ऐसे फैला देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और रखेंगे और दोनों तरफ से पलट पलट कर सेक लेंगे। रागी का हमारा ये तीसरा रोटी भी बनकर तैयार हो गया है।
तीनों रोटी बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं। रागी का हमारा ये तीनों रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।